पोयम नंबर थ्री, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन एंड वेयर डिड द पोएट्स मदर गेट स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। व्हेन एंड वेयर डिड द पोएट्स मदर गेट स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। पोएट की मदर को स्कॉर्पियन ने कहां पे और कब डसा था? द पोएट्स मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन एट नाइट इन हर ओन हाउस। पोएट की मदर को स्कॉर्पियन ने रात के टाइम पे और अपने ही घर में डसा था। द पोएट्स मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन एट नाइट इन हर ओन हाउस। क्वेश्चन नंबर टू, वॉट डिड द पीजेंट्स डू। पीजेंट्स वहां पे क्या करने के लिए आए थे पोएट के घर पे? The peasants rushed to the poet's home and chanted the name of God number of times to make the scorpion inactive and prevent the poison from spreading throughout his mother's body. The peasants rushed to the poet's home. जितने भी peasants थे उनके घर के आसपास जो रहते थे वो सभी poet के घर पे आए and chanted the name of God. और वो continuously God का नाम बोल रहे थे number of times. That means a lot of times they were speaking the name of God. और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? टू मेक द स्कॉर्पियन इनएक्टिव, क्योंकि वो चाहते थे कि ये गॉड का नाम लेने से जो स्कॉर्पियन होगा उसका वो इनएक्टिव हो जाएगा एंड प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू आउट हिज मदर्स बॉडी। क्योंकि अगर स्कॉर्पियन एक जगह बैठ जाएगा तो जिस जगह पे उसने पोएट की मदर को काटा था वो वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन अगर स्कॉर्पियन मूव करेगा तो पॉइजन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो इस वजह से वो गॉड का नाम ले रहे थे ताकि जो स्कॉर्पियन है वो इनएक्टिव हो जाए, दैट मींस वो एक जगह पे ही बैठा रहे जिसकी वजह से पॉइजन पोएट की मदर की पूरी बॉडी में ना फैले। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड द शैडोज लुक लाइक स्कॉर्पियंस। जो शेडोज थी वो स्कॉर्पियंस की तरह क्यों दिखाई दे रही थी? द शेडोज लुक लाइक scorpions as the moving bodies of the peasants against the lights coming from the candles and lanterns cast moving or walking black shadows on the mud walls. The shadows looked like scorpions. Shadows jo thi wo scorpions ki tarah dikhai de rahi thi. As the moving bodies of the peasants against the lights coming from the candles and lanterns. Kyunki peasants jo the un wo candles aur lanterns leke aa rahe the और उसकी वजह से उनकी जो परछाई है, उनकी जो शेडो है वो वॉल पे पड़ रही थी, और क्योंकि वो वॉल जो थी वो मड बैग्ड वॉल थी, मतलब मिट्टी की बनी हुई वॉल थी, तो उसपे उन पीजेंट्स की शेडो बन रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जब वो मूव कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कॉर्पियन की परछाई है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द पोएट्स फादर डू एंड व्हाई। पोएट के फादर ने क्या किया और क्यों किया? द पोएट्स फादर वॉज अ स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। पोएट के जो फादर थे वो एक स्केप्टिक हैं और रैशनलिस्ट थे, मतलब वो बिलीव नहीं करते थे इन सब चीजों में, इस तरह की चीजों में वो बिलीव नहीं करते थे। ही ट्राइड ऑल पाउडर्स एंड मेडिसिन्स ऑन हिज मदर। लेकिन फिर भी उन्होंने पोएट की मदर की बॉडी पे जहाँ पे स्कॉर्पियन ने उनको स्टंग किया था वहां पे जितने भी पाउडर्स होते हैं, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, सारी चीजें ट्राई की। ही इवन पोर्ड अ लिटिल केरोसिन ऑन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। उन्होंने इवन केरोसिन भी डाला था उस जगह पे जहाँ पे पोएट की मदर को स्कॉर्पियन ने काटा था, तो वहां पे उन्होंने केरोसिन डाला और वहां पे उन्होंने माचिस से आग भी लगाई थी। द पोएट्स फादर वॉज अ स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। ही ट्राइड ऑल पाउडर्स एंड मेडिसिन ऑन हिज मदर। He even poured a little kerosene on the beaten toe and put a match to it. Question number 5. What did the holy man do? Holy man वहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? The holy man performed his rites and chanted an incantation to tame the poison in the poet's mother's body with a mantra. Holy man performed his rites and chanted an incantation. Holy मंत्र जो आया था, होली मैन जो आया था वहां पे, वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहा था, अपना जाप कर रहा था, जिसकी वजह से पोएट की मदर की जो बॉडी में पॉइजन है वो खत्म हो जाए और फैलने से रुक जाए। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन लाइन से क्या मतलब है? इट मीन्स लिविंग द पॉइजन इन द बॉडी ऑफ द विक्टिम आफ्टर स्टिंगिंग हिम और हर। इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन विक्टिम की बॉडी में पॉइजन को लीव कर देना, मतलब उसको
डस के और पॉइजन जो है उसकी बॉडी में छोड़ देना और डंग जो है वो बाहर निकाल देना। तो इसका मतलब होता है पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, मतलब अपना पॉइजन किसी और की बॉडी में डाल देना। इट मीन्स लिविंग द पॉइजन इन द बॉडी ऑफ द विक्टिम आफ्टर स्टिंगिंग हिम और हर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई हैज द पोएट यूज्ड अपोजिट वर्ड्स स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट फॉर हिज फादर। पोएट ने ये दो वर्ड्स जो हैं स्केप्टिक और रैशनलिस्ट वो अपने फादर के लिए क्यों यूज किए हैं। द पोएट्स फादर वॉज बोथ स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, क्योंकि पोएट के जो फादर थे वो दोनों ही थे, स्केप्टिक भी थे और रैशनलिस्ट भी थे। He did not believe in superstitions, but he was ready to experiment with anything to cure his wife. Poet के जो father थे वो superstitious thing में believe नहीं करते थे, भूत प्रेत की जो बातें होती या अंधविश्वास वाली जो बातें होती है उन सब पे वो बिल्कुल भी believe नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद भी वो सारी चीजें अपनी wife को ठीक करने के लिए, उन पे try करने के लिए बिल्कुल ready थे। So he used all medicines and even poured kerosene on her beaten toe to cure her of the poison. और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी medicines का use किया, powders का use किया और उन अपनी wife के beaten जो जगह थी जो उस पर kerosene भी pour किया और वहाँ पे उन्होंने matches भी लगाई थी। So here we have completed the question answers of poem number 3. Chapter number 6. Amazing mom of three living in Abu Dhabi. It is the name of the chapter. Let us start the question answers. Why did Tanay decided to go to Abu Dhabi? Tanay ne aisa kyun decide kiya tha ki ab wo yahan se Abu Dhabi mein chali jayegi, shift ho jayegi. Tanay decided to go to Abu Dhabi to start her life afresh. क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक फ्रेशली स्टार्ट करना चाहती थी अपने लाइफ को, टू सेव हर मैरिज एंड फैमिली, अपनी मैरिज को और अपनी फैमिली को वो बचाना चाहती थी। एज हर मैरिज वॉज इन द लास्ट स्टेज एंड रिक्वायर्ड एन अर्जेंट इंटरवेंशन, क्योंकि उसकी मैरिज जो थी वो एक लास्ट स्टेज पे चल रही थी और इसीलिए उसको लगता था कि उन दोनों को थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। तो अपनी मैरिज को बचाने के लिए और अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो उसने डिसाइड किया कि वो अबू धाबी में शिफ्ट हो जाएगी। Tanay decided to go to Abu Dhabi to start her life afresh, to save her marriage and family, as her marriage was in the last stage and required an urgent intervention. Question number 2. Describe the interview process she faced. इंटरव्यू प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है जो Tanay ने फेस किया था। She heard about the positions in March 2013 and applied online to Teach Away and Footprints Recruiting. She heard about the position in March 2013. March 2013 में Tanay ने ऐसा सुना था कि कुछ positions हैं जो vacant हैं, तो उसके लिए उसने apply किया था दो sites पे, Teach Away और Footprints Recruiting पे. And a few days later, she had phone interview for both position. और कुछ दिन के बाद उसके लिए Tanay के पास कॉल आया फोन इंटरव्यू के लिए, दोनों पोजीशंस के लिए, फॉलोड बाय फेस टू फेस। तो पहले उसने फोन पे इंटरव्यू दिया था अपना और बाद में फेस टू फेस इंटरव्यू फेस हुआ फॉर बोथ पोजीशन। बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड बिगिनिंग ऑफ मे शी हैड टू टीचिंग ऑफर्स। फिर अप्रैल के एंड में और मई की बिगिनिंग में उनके पास टू टीचिंग ऑफर्स आ चुके थे। So the answer is she heard about the positions in March 2013 and applied online to Teach Away and Footprints Recruiting. And a few days later, she had phone interviews for both position, followed by face-to-face interview phase for both positions. By the end of April and beginning of May, she had two teaching offers. Question number 3. How is Tanay's daily life in Abu Dhabi? Tanay की जो डेली लाइफ थी अबू धाबी में वो किस तरह की थी? डेली लाइफ इज नियरली सिमिलर ड्यूरिंग द वीकडेज। वीकडेज में जो लाइफ होती है जनरल वैसी ही उसकी लाइफ थी, सिमिलर थी। द किड्स गो टू स्कूल एंड शी गोज टू वर्क फ्रॉम संडे टू थर्सडे। उनके जो Tanay के जो थ्री चिल्ड्रंस थे वो स्कूल चले जाते थे और Tanay जो है वो अपने काम पे चली जाया करती थी संडे से लेके थर्सडे तक।
आफ्टर वर्क एंड स्कूल डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ ईयर, फिर वर्क और तनाई का काम खत्म होने के बाद और बच्चों के स्कूल खत्म होने के बाद उनके टाइम ऑफ ईयर पे चीजें डिपेंड करती थी. आइदर हर डॉटर हैज जिम्नास्टिक, उनकी डॉटर जिम्नास्टिक प्रैक्टिस के लिए जाती थी और किकबॉल प्रैक्टिस के लिए और फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए फॉर 4 hours a week. ओके, हिज सन्स हैव अमेरिकन फुटबॉल प्रैक्टिस फॉर 4 hours टू, और उनके जो बेटे हैं वो अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे 4 घंटे के लिए. सो डेली लाइफ इज नियरली सिमिलर ड्यूरिंग द वीकडेज. द किड्स गो टू स्कूल एंड शी गोज टू वर्क फ्रॉम संडेज टू थर्सडे. आफ्टर वर्क एंड स्कूल डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ईयर, आइदर हर डॉटर हैज जिम्नास्टिक और किकबॉल और फुटबॉल प्रैक्टिस फॉर 4 hours अ वीक. हिज सन्स हैव अमेरिकन फुटबॉल प्रैक्टिस फॉर 4 hours टू. Question number 4. What was the travel norm for Tanai and her family before she moved to Abu Dhabi? Abu Dhabi mein shift hone se pehle Tanai aur unki family travel karne ke liye kahan jaate the? Normally wo jab Abu Dhabi nahi aaye the to usse pehle wo traveling ke liye kahan jaya karte the? Before moving to Abu Dhabi, Tanai had no passport. Tanai jab Abu Dhabi mein shift nahi hui thi uske pehle uske paas passport bhi nahi tha. She had once come close to international travel by taking a cruise to Mexico from Texas. वो international travel के थोड़ा close आई थी एक ship के through, एक cruise के through, और वो कहाँ से कहाँ तक थी? From Texas to Mexico. She always thought international travel was meant for the rich and retired. और तनाई को हमेशा ऐसा लगता था कि international जो travelling होती है, international level पे जो घूमना फिरना होता है वो सिर्फ रिच लोगों के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए होता है एंड नॉट फॉर देम. और तनाई और उसकी फैमिली के लिए वो सारी चीजें नहीं थी. फैमिली वेकेशंस वर कन्फाइंड टू द नियरेस्ट स्टेट बीच और अम्यूजमेंट पार्क. उनके जो फैमिली वेकेशंस थे वो सिर्फ कन्फाइंड थे नियरेस्ट स्टेट बीच तक या फिर अम्यूजमेंट पार्क तक. मतलब स्टेट में ही जो नियरेस्ट स्टेट में जो बीच होते हैं, जो एम्यूजमेंट पार्क होते थे, वहीं तक वो अपने फैमिली वेकेशंस बना लिया करते थे एंड दैट वाज द नॉर्म फॉर देम. और ये उनके लिए एक नॉर्मल सी वेकेशंस की चीज होती थी. बिफोर मूविंग टू अबू धाबी तनाई हैड नो पासपोर्ट. शी हैड वंस कम क्लोज टू इंटरनेशनल ट्रैवल बाय टेकिंग अ क्रूज टू मेक्सिको फ्रॉम टेक्सास. शी ऑलवेज थॉट इंटरनेशनल ट्रैवल वाज मीन फॉर द रिच एंड रिटायर्ड एंड नॉट फॉर देम. Family vacations were confined to the nearest state beach or amusement park. That was the norm for them. Question number 5. What was her family's reaction to her going to Abu Dhabi? Tanai ki family ka reaction kaisa tha jab Tanai ne apni family ko bataya ki wo United States se ab shift hone wali hai Abu Dhabi mein, to unki jo family thi unka reaction kaisa tha? Tanai's family was mostly very supportive from the very beginning. Tanai ki jo family hai wo starting se hi bahut zyada supportive rahi hai. She told most of her other family except her parents. Tanai ne apni family mein almost sabhi ko bata diya tha apne parents ko chhod ke. Bas ab unhone apne parents ko is bare mein nahi bataya tha about her moving to UAE. She made them swear to secrecy to keep a tight lip about her plan. और तनाई ने अपनी फैमिली में जिन मेंबर्स को इस बारे में बताया था कि वो यूएई में शिफ्ट होने वाली है, तो उन्होंने सारे मेंबर्स को सीक्रेट मेंटेन करने के लिए कहा था और कहा था कि ये बात वो अपने उनके पेरेंट्स को ना बताएं. She wanted to complete the interview process and actually have an offer before sharing the news with her mother. और तनाई ने अपने पेरेंट्स से ये बात इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि वो चाहती थी कि पहले उनके इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और उनको जॉब मिल जाए, तो उसके बाद ही वो अपनी मदर से ये न्यूज शेयर करेगी. When she shared this with her mother, she gave her blessings with ease. और जब तनाई ने अपनी मदर को ये बात बताई कि वो यूएई में शिफ्ट होने वाली है, तो उनकी मदर ने बहुत ही इजीली हाँ कर दी थी और उनकी ब्लेसिंग्स तनाई को दे दी थी. क्वेश्चन नंबर 6. Describe the places she took her children to visit. हमें उन places के बारे में बताना है कि जहाँ पे तनाई अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाया करती थी जब वो अबू धाबी में शिफ्ट हो चुकी थी. श्रीलंका, थाईलैंड एंड मलेशिया आर द एग्जॉटिक प्लेसेस तनाई took her children to visit. श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया, ये 3 ऐसी places है जो एग्जॉटिक places है. बहुत ज्यादा उनको वहां पे मजा आता था जहाँ पे
तनाई अपने बच्चों के साथ गई थी. बिफोर द एंड ऑफ द ईयर शी हैड प्लान टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स. और ईयर के एंड में तनाई ने प्लान किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगी, फिलीपींस एंड अ क्रिसमस ट्रिप टू ज़ंजीबार एंड नैरोबी. और क्रिसमस पे वो जाने वाली है ज़ंजीबार एंड नैरोबी एंड गो ऑन ट्रिप्स टू इटली एंड कैनकोन इन समर. और उन्होंने डिसाइड किया है कि समर सीजन में वो जाएगी गो ऑन ट्रिप्स टू इटली एंड कैनकोन. इटली और कैनकोन जाएगी वो समर सीजन में. ओके, सो श्रीलंका, थाईलैंड एंड मलेशिया आर द एग्जॉटिक प्लेसेस तनाई टू हर चिल्ड्रन टू विजिट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर. She had planned to visit United States, Philippines, a Christmas trip to Zanzibar and Nairobi, and go on trips to Italy and Cancun in summer. Last question: What advice does she give to single mothers? Tanai ne single mothers ke liye kya advice di thi? Tanai advises single mothers to have strong faith in their abilities and not to allow their current situations to control their future. तनाई सिंगल मदर्स को ये एडवाइस करती है कि जितनी भी सिंगल मदर्स हैं उनको अपने आप में भरोसा रखना होगा, टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ, अपनी एबिलिटीज पे पूरा भरोसा रखना होगा, एंड नॉट टू अलाउ देयर करंट सिचुएशन कंट्रोल देयर फ्यूचर. और सिंगल मदर्स को अपनी आज की जो करंट सिचुएशन है उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो उनके फ्यूचर की चीजों को कंट्रोल करें. दैट मीन्स कि आज के हालात के बारे में सोचते हुए अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहिए. She also advises them to free themselves from the mindset that they need to listen to the dictates of society. और तनाई ये भी कहती है कि सबसे पहले अगर वो लाइफ में सिंगल मदर्स कुछ अचीव करना चाहती हैं, तो तनाई ये एडवाइस देती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को फ्री करना होगा इस माइंडसेट से कि हम हर चीज सोसाइटी के लोगों के हिसाब से करें, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे उसको सोचते हुए हमें कोई भी चीज नहीं करनी है. हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर हो. दे शुड गेट रीड ऑफ द टेंडेंसीज दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग ऑन. और उनको अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो उनको प्रिवेंट करती है, जो उनको रोकती है, ऐसी चीजें जो उनको रोकती है लाइफ में कुछ करने से, उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर देना चाहिए. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 7.